हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीकेंड ब्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। वेलकम है आप सभी का मेरी डेली ब्लॉग में। तो मॉर्निंग जैसे कि मेरी स्टार्ट होती है हमेशा सिनेमन टी से, तो ये छोटी सी शुरुआत मैं कितने टाइम तक कैरी ऑन कर पाऊँगी ये आप लोगों के साथ मैं अपडेट करती रहूँगी। फ़िलहाल कुछ चेंजेज मैं कर रही हूँ अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल में, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं एरोप्लेन को देख रही हूँ और चाय का मज़ा ले रही हूँ मॉर्निंग में। इसके बाद बहुत सारे काम हैं, वो काम भी थोड़े थोड़े आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा काम हो गया था आज। वीकेंड पे हमेशा ही ज़्यादा रहता है, तो वीकेंड पे मैं क्या करती हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट में ऐसा बनाती हूँ जो फैमिली के सब मेंबर खा लें। तो कल मैंने छोले बनाए थे, कुछ छोले रह गए थे और उनमें नमक ज़्यादा हो गया था, तो उनको कोई भी खाने को तैयार नहीं था। सबसे पहले मैंने दाल वाला आटा बना लिया दाल के पराठे बनाने के लिए, और कुछ तिकड़म करनी थी मुझे, तो मैंने पनीर को फ्राई कर लिया। और नमक को बैलेंस करने का कोई तरीका मुझे लग नहीं रहा था। आप कैसे करते हो जब आपकी कोई सब्ज़ी बिगड़ जाए, मतलब नमक तेज़ हो जाए तो मेरी ये देखना रेसिपी आपको अच्छी लगेगी कि नहीं। इसमें मैंने फिर हरी लाल पीली शिमला मिर्च डाल दी, अच्छे से उन्हें 3 से 4 मिनट भूना। और उसके बाद ये जो छोले हैं इनको मैं इसी में डाल दूंगी, और नमक क्योंकि इसमें बहुत था तो नमक नहीं डालूंगी। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला, और ज़रूरत होगी तो चुटकी भर नमक पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस हो जाएगा। तो मैं ना खाने को बर्बाद नहीं करती हूँ, मेरा तो यही मानना है कि हम लोगों को भगवान ने इतना दिया है कि हम अच्छा खा रहे हैं, तो उसको अन्न का ना कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे भी कोशिश हो उसको यूज कर लो जल्दी से जल्दी, पासा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी में से मैंने सब्जियों वाला थोड़ा सा निकाल लिया, क्योंकि अब मैं इसमें क्रीम डालूंगी घर की फिटी हुई। इससे क्या है, ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाएगी और दाल के पराठों के साथ तो बहुत मस्त लगती है, क्योंकि दाल के पराठे में भी थोड़ा सा नमक मिर्च होता है। और ये हल्की नमक मिर्च की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली है बस, और गरम मसाला भी नहीं डाला, और ये टेस्टी सी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और पुरानी वाली सब्ज़ी भी इसमें रीयूज हो गई। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा बताइएगा। तो मुझे अपने ब्रेकफास्ट में कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि प्रोटीन नहीं था उसमें, इसलिए मैंने 1 चम्मच पीनट बटर को ब्रेड पर स्प्रेड करके और 1 ब्रेड के साथ उसको मैंने बिग सैंडविच बना दिया। इससे मुझे लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो साथ साथ सबका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मेरा सैंडविच भी, दाल के पराठे भी तैयार हो गए। तो सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं वीकेंड पे, तो हमारा यही रूटीन होता है। तो ये गरम गरम चाय और दाल के पराठे सब्जी के साथ, और मेरा ये सैंडविच कितना यम्मी लग रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो जो भी चेंजेज अपनी लाइफ स्टाइल में लाने हैं या जो काम हमें घर के करने हैं, कल पे किसी को नहीं डालना है। जो करना है आज करो, अभी करो, तभी आप समय के साथ अपने आप को मेंटेन रख पाओगे। तो छोटे छोटे चेंजेज के साथ मैंने आज अपने राशन में भरपूर सब्जियां मंगा ली हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेटोस, कैप्सिकम, लौकी, ब्रोकली, नींबू। नवरात्रों में नहीं पी पाई थी इसलिए अब नींबू पीऊँगी, लिए मैंने आज मंगाया है किनोवा। किनोवा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फोलेट होता है, और इसीलिए ये प्रेगनेंसी में भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है। फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में है, इसलिए वेट लॉस प्रोग्राम में भी बहुत बेनिफिशियल है। ये शुगर कंट्रोल करता है, और बाजरे और किनोवा की अगर कंपेरिजन की जाए तो किनोवा बेटर ऑप्शन देन बाजरा। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये कंप्लीट प्रोटीन मील है। ये बॉडी की सूजन को कम करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इसलिए डाइट में ज़रूर शामिल करें। राशन निकाल ही पाई थी तब तक मम्मी आ गई मेरी मुझसे मिलने, और निक्कू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। देखो निक्कू कितना खुश हो रहा है नानी को देखकर। तो
ऐसी मीटिंग्स भी कभी कभी हो जाना चाहिए। मम्मी बिना बताए अचानक ही आ गई थी, वैसे पहले आने का था इनका प्रोग्राम, तब नहीं आई थी, अब आई। तो अब मैं उनसे थोड़ी देर मिलने गई, इतना चाय उबल गई थी। फिर देखो अब ये क्या, ये भी भाई आटा बूरा डालें, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। एक के साथ एक राशन फ्री मिल गया आज तो मुझे। तो फटाफट में मैंने चाय वाय बना दी, और भाई गुलाब जामुन और रसगुल्ला मेरी फेवरेट मिठाई पता है मेरी मम्मी को, और वही लेकर आई। लेकिन आज मैंने खाया नहीं मिठाई, खाऊंगी एक हफ्ते बाद एक पीस ज़रूर खाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा कंट्रोल। ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल, क्योंकि कंट्रोल करेंगे तभी तो अपनी लड़ाई जीतेंगे वेट लॉस वाली। अब भाई नवरात्रों में सबका नॉन वेज बंद था, लेकिन मौका मिलते ही अब दसवीं में सब लोग नॉन वेज बना रहे होंगे, लेकिन मैंने भी नॉन वेज तो नहीं बनाया लेकिन अंडे बना दिए, क्योंकि मम्मी भी आई हुई थी और कुछ समझ में नहीं आया अचानक से, तो लौकी वाली दाल बना दी। और ये लौकी वाली दाल ना वेट लॉस में आप ऐसे ही भर के कटोरे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ऑप्शन है वेट लॉस में चने वाली लौकी खाना। तो धनिया पत्ती के साथ सजाकर मैंने कंप्लीट कर दी दोनों रेसिपी, और फिर आ गया सर्विंग टाइम, क्योंकि लंच टाइम हो ही गया था मम्मी को आते आते, तो चाय के बाद फिर मैंने खाना सर्व कर दिया। तो गर्मा गर्म दाल राइस, और आप इनको कौन से अंडे बोलते हो, मैं इनको प्याज वाले सूखे अंडे बोलती हूँ। और किसी ने अगर ये रेसिपी बनाई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी टेस्टी लगती है। तो मैं चाहने को मैं खा सकती हूँ अंडे की सब्ज़ी भी, लेकिन नहीं, आज मैंने दाल घिया खाई, क्योंकि ये चीज़ें ना हम लोगों को खुद समझदारी अपने आप में दिखानी होगी। क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो हमें खुद पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है और बैलेंस बनाना पड़ता है कि हमारे लिए ये ऑप्शन बेटर है या ये बेटर। तो अंडा भी है लेकिन इसमें ऑयल बहुत है सब्ज़ी में, इसलिए फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए या तो इस तरह की सब्ज़ी बनाएं तो अपने लिए दो बॉइल्ड एग अलग से निकाल लें, मैंने नहीं निकाल पाया था इसलिए मैंने ये सब्ज़ी नहीं खाई आज। और एंड टाइम पे घी भी ख़त्म हो गया। अच्छा बताओ किस किस ने ऐसा किया, मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा हो ही जाता है कि जब मेहमान आ जाएं तभी घी ख़त्म होता है, और मैं फिर चारों तरफ से इसको काट के और सारा घी निकाल लेती हूँ, उसके बाद भी मुझे सब्र नहीं होता, मैं आटे में लपेट लपेट के उसमें घी की एक बूंद भी नहीं छोड़ती हूँ। तो मेरी जैसी गंदी आदत किसकी है बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये अब मम्मी हो गई शुरू और मुझे बना दिया भूतनी कि तेरे बाल कैसे हो रहे हैं, तेल नहीं डाल सकती है, और मेरी जो है मालिश करना शुरू कर दी बालों में। और मुझे पता नहीं था कि तेल लगे बालों में मुझे कहीं जाना पड़ेगा और इतनी अच्छी जगह जाना पड़ेगा। अब देखो मुझे चंपू बना दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, आपको तो मालूम है लेडीज़ के आधे प्रोग्राम तेल लगाने की वजह से फेल होते, लेकिन मैं फेल नहीं करूँगी। तो ऊपर चली गई क्योंकि दसवीं हो गई, तो अब डेकोरेशन का सारा सामान निकाल दिया और अच्छे से मैं मैनेज करके रखती हूँ जिससे कि हौच पोच ना हो। तो ये देखो सेफ्टी पिन लगा के मैंने डेकोरेटिव आइटम को इधर सेपरेट कर दिया, मतलब उठाएंगे तो उलझेंगे नहीं। ये लाइटिंग भी अच्छे से मैंने रोल कर दी है, और जो लड़ियाँ होती हैं फूलों की उनको मैं गोल 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 करके इनको सेपरेट वन बाई वन करके रखती हूँ। इनको मैं पैक करके अच्छे से रख दूंगी अभी, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद इसकी डेकोरेशन फिर होगी। एक दिन अगर धूप अच्छी निकलेगी तो उस दिन पानी निकाल के हल्का सा सबको सुखा दूंगी, लेकिन तब तक मैच ही नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हम ये छोड़े ना कि कल को इस काम को करेंगे तो वो कल कभी नहीं होता, इसलिए साथ के साथ छोटे छोटे काम निपटाते रहें तो बर्डन भी नहीं रहता और लाइफ स्टाइल बहुत ईजी लगने लगती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। तो ये चीज़ें ना हम गृहिणियों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि हमें टाइम का सदुपयोग कैसे करना चाहिए,
क्योंकि अगर मैं इसे आज यूँ ही छोड़ दूँगी तो ये कल भी छूट जाएगी, परसों भी छूट जाएगी, और फिर कब नंबर आएगा पता चले, फिर नेक्स्ट डेकोरेशन तक ये धुली भी नहीं जाएगी और गंदी भी हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा डेकोरेशन में। इसलिए अभी इसे सेफली जो 4 किलो का वॉशिंग मशीन पाउडर आता है पैकेट में, इसका ये बॉक्सेज में हमेशा रख लेती हूँ बचा के, और इनको मैं बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। कम जगह में बहुत सामान आ जाता है इसमें, जैसे हार्पिक है, जो रिफिल्स होती हैं हैंड वॉश की, उनको आप अच्छे से इसमें पैक करके इंडिविजुअल रख सकते हो। बाथरूम का सामान है कहीं छोटी सी जगह में, वहाँ पे सेटल कर दो, जब मर्जी हो तब निकाल लो। तो ऐसे बॉक्सेज मैं तो हमेशा बचा के रखती हूँ। तो इनको मैंने ये सेपरेट करके रख दिया है, यहाँ से उठाऊंगी और इनमें पानी निकाल के सुखा लूँगी एक दिन में, और फिर नेक्स्ट डेकोरेशन के लिए रेडी हो जाएगा। अब साथ साथ मैं बेडिंग भी कर देती हूँ, और ये अच्छी सी बेडशीट बिछा के ये कमरा हो गया एकदम साफ। तो अब चलते हैं नीचे, और इनमें भी पानी निकाल के रखना होगा कपड़ों में, लेकिन इनको इजी में वॉश करूँगी तो बाद में करूँगी, अभी कुछ और काम है वो जाना है। तो सबसे पहले ये जो कपड़े निकले थे जिन पे मैंने कन्याएं जमाई थी वो, और बेडशीट वगैरह, इन सबको मैं पानी निकाल के डाल दूँ। उसके बाद आप पहुँच गए हैं हम तेल लगे बालों में शोरूम, क्योंकि हम सबकी शॉपिंग तो हो गई थी लेकिन हस्बैंड की रह गई थी, तो आज स्पेशली उनके लिए आई, लेकिन तेल लगा के ही आना पड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तेल में कौन हमें निकाल देगा वहाँ से। तो वहाँ जाके फिर शॉपिंग की जो भी समझ में आया, और डेकोरेशन वहाँ इतनी अच्छी हो रही थी ना, ऑफ़र भी चल रहा है इस टाइम करवा चौथ के लिए, ऑफ़र रिडीम कर सकते हैं जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, तो जिस जितने की वो शॉपिंग करते हैं उसके हिसाब से कुछ उनके लिए गिफ्ट वाउचर वगैरह स्कीम निकाल रखी हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने नज़ारा लिया है कि कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। मन कर रहा था थोड़ा टाइम और स्पेंड करें, लेकिन लेट हो गए थे घर से ही, इसलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, केवल काम करके फटाफट वहाँ से हम निकल लिए। लेकिन लग रहा था कि बच्चों को लेके आना चाहिए था, वो भी थोड़ा सा एंजॉय करते, कुछ खा पी कर जाते, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। फिर हम कुछ ऑफ़र के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि शॉपिंग करने के बाद क्या ऑफ़र है, कैसा क्या है। तो हमें जो ऑफ़र मिला वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे आज न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।